टीवी पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं IND24 न्यूज चैनल, जिस पर मैं आपको ले जाने वाला हूं, और मेरे साथ जाने वाले हैं हर्षित। हर्षित, तो तैयार हो आप जाने के लिए? तो दोस्तों, मैं और हर्षित अब जा रहे हैं न्यूज चैनल की तरफ। वहां जाकर के आपको बताएंगे कैसा होता है न्यूज चैनल और कैसे करता है काम। तो दोस्तों, मैं और हर्षित आ चुके हैं IND24 न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर। आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है एक न्यूज़ चैनल, और कैसे जब कोई अननोन पर्सन आता है रिकॉर्डिंग के लिए तो क्या उसकी एक प्रक्रिया होती है। अननोन पर्सन आता है तो सबसे पहले हम परिचित होते हैं, यहाँ पर जो ड्यूटी होती है इनकी। क्या नाम भैया आपका? बबलू। बबलू जी, तो ये बबलू हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मेरा 8 महीने हो। तो इसमें जो है, जब भी हम आते हैं एंट्री करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, कोई भी पर्सन आता है, जैसे कि हम आए हुए हैं तो हमने ये कर दी एंट्री चैनल में अंदर जाने के लिए। और इसमें कितने वक्त आप आए हैं और किस समय आप जाएंगे, पूरी एंट्री होती है। उसके बाद चैनल में क्या होता है ऊपर, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही चैनल में एंट्री होती है तो हम आते हैं रिसेप्शन पर, और ये भैया, क्या नाम है आपका? यशवंत जी हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर रहती है। तो जब भी कोई व्यक्ति चैनल में एंट्री करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर वो अपना परिचय देता है, और फिर सीधे वो एंटर होता है कार्यक्रम के लिए, जो कि न्यूज़ रूम आप वहाँ पर देख रहे हैं। जो भी आप टीवी चैनल में डिबेट देखते हैं, जो भी प्रोग्राम देखते हैं, वो न्यूज़ रूम के अंदर होती है। तो इसमें हम अंदर जाकर के देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। इस तरीके से हम न्यूज़ रूम में, और इसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है आउटपुट और इनपुट। अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक मानव शरीर होता है, अगर कोई भी अंग डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हर किसी की भूमिका होती है। तो इसी तरीके से न्यूज़ चैनल में भी भूमिका होती है, आउटपुट की अपनी भूमिका है, इनपुट की है। और मैं हर्षित से कहूँगा जो सहयोगियों के पूरा थोड़ा सा दिखाएँ कि किस तरीके से एक न्यूज़ चैनल में काम होता है, किस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये एक संस्थान है, और जिस तरीके से हम संस्थानों की बात करें, एक संरचना की बात करें, तो इसी तरीके से एक चैनल काम करता है। छोटा बड़ा केवल एरिया हो सकता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होती है। इसमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, और कितनी मेहनत लगती है एक खबर को बनाने के लिए। जो खबर आप 1 मिनट में देखते हैं, 2 मिनट में देखते हैं, उसके पीछे की कई घंटों की मेहनत होती है, रिपोर्टर की मेहनत होती है। रिपोर्टर के बाद वो खबर इनपुट डिपार्टमेंट मंगाता है, उसके बाद आउटपुट में टीवी पर जो आप देखते हैं कि क्या चलेगा, वो आउटपुट के अनुसार चलता है। और जो एडिटिंग होती है, वो एडिटिंग रूम अंदर है, उसमें भी आपको ले चलते हैं। अच्छा सर, नमस्कार। तो दोस्तों, ये है एडिटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एडिटिंग का काम किया जाता है, यानी कि जो भी रॉ फाइल्स आती है किसी भी खबर की, वो पहले वहाँ पहुँचती है, उसके बाद यहाँ पर जो है एडिटिंग डिपार्टमेंट में आती है, और प्रोग्राम को एडिट किया जाता है। दोस्तों, ये PCR रूम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। PCR रूम में टीवी पर जो खबर चलती है वो किस तरीके से रहती है, यहाँ से पूरा मैनेज किया जाता है PCR रूम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटा बड़ा हो सकता है किसी भी चैनल का। और बैक में अगर आप देखेंगे तो एक एंकर जिस तरीके से खबर पढ़ते हैं, वो पूरा स्टूडियो देख रहे हैं। ये पूरी लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। और जो आप टीवी पर देखते हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो गया है, वो पीछे हरा पर्दा लगा रहता है, जैसा कि आप एंकर जो इसमें खबर पढ़ रहे हैं उनके पीछे लगा हुआ आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो सामने आप देख रहे हैं, एक कैमरा और एक टीवी लगी हुई है, वो टेलीप्रॉम्प्टर होता है। मतलब जब भी कोई एंकर खबर पढ़ता है तो वो उसमें देखता है, और उसको देख करके वो पढ़ते हैं। ऊपर पूरी लाइट की व्यवस्था होती है, किस तरीके से लाइट देना है, नहीं देना है। और कैमरे जो आप देख रहे हैं, एक चैनल में कितने कैमरे होते हैं, ये भी आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर सर का रूम। तो चलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये नवीन प्रोहे सर हैं, IND24 चैनल के हेड हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें परमिशन दी हमारे चैनल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, संक्षिप्त में अगर आप कोई भी मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहें, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं स्पेशली, जो भी, क्योंकि हमसे ज़्यादातर यूथ जुड़ा हुआ, क्या उन्हें संक्षिप्त में मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना गिरिराज इस पर यही है कि ये जो है सूचना क्रांति का युग है। पहले अगर हम ठीक आज से 2 दशक पहले की बात करें, तो पूरे देश में 4 कॉलेज हुआ करते थे जो मास कम्युनिकेशन को पढ़ा रहे थे, IIMC और इस प्रकार के 3-4 कॉलेज बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में, और दूरदर्शन अकेला एक चैनल हुआ करता था। आज करीब 1200-1500 प्राइवेट चैनल हैं, फिर FM हैं,
और अब सोशल मीडिया बहुत जो है टॉप पर है जी, तो जितने प्रोफेशनल्स की डिमांड इस इंडस्ट्री में, अब पहले 4 कॉलेज हुआ करते थे, आज अगर कॉलेजेस की संख्या देखी जाए अच्छे कॉलेजेस की तो 10-12 के आसपास है पूरे देश में जी, और सेक्टर जो है वो 100 गुना बढ़ गया है। तो डिमांड और सप्लाई में खासा अंतर है। तो वो लोग जो जिनको लगता है कि वो मैथ फिजिक्स और अन्य चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, जो करंट अफेयर्स में जिनकी रुचि है, बिल्कुल, जो अभिव्यक्ति में अपनी रुचि रखते हैं, उनकी योग्यता है उस प्रकार की, तो वो इस फील्ड में उनके लिए बहुत अवसर हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल पर्याप्त संभावना है जी। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ चुका हूँ IND24 न्यूज़ चैनल का। हमने आपको पूरा स्टूडियो दिखाया और पीछे टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं वही चैनल है। कौन कौन से ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने पहली बार न्यूज़ चैनल को अंदर से देखा और आपका क्या अनुभव है, आपको कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर जगह इस ब्लॉग को शेयर कीजिए।